आईटी फैमिली, आप देख रहे हैं जी लाइफस्टाइल, मैं हूं जी। आज मैं आपको ऐसी जगहों पे लेके जाऊंगी जहां पे ऑन द रोड एंड अंडर वन रूफ आपको तमाम फेमस ब्रांड्स मिलेंगे, टॉप ब्रांड्स मिलेंगे। और आजकल तो वैसे ही सेल सीजन चल रहा है, वेडिंग सीजन भी है, साथ विंटर क्लोथिंग न्यू अराइवल्स आए हुए हैं, तो वो एक्सप्लोर करेंगे। स्पेशली ये वीडियोस तमाम छोटे प्यारे क्यूट बच्चों के लिए भी है, क्योंकि उनकी मैं खास तौर पे कलेक्शन आपसे शेयर करूंगी। और बच्चों को वैसी ठंड बहुत लगती है, केयर करनी पड़ती है। तो यहाँ से हम चलेंगे गुलबर्ग, यानी MM आलम रोड। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जल्दी से। स्टार्ट करते हैं वीडियो। और टर्न लेने के बाद ये है सिद्दीक ट्रेड सेंटर, जो कि बहुत ही बड़ा है। और यहाँ से भी आप शॉपिंग वगैरह करते होंगे, मोबाइल्स, फोन, गैजेट, सब कुछ यहाँ से मिलता है। तो ये है यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स, मुझे भी बहुत पसंद है, काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोगों की मेमोरीज होंगी इसके साथ। मुझे बताइएगा अगर आप लोग भी यहाँ से किसी ने स्टडी किया हुआ है। आगे हम चलेंगे और ये हम जा रहे हैं टूवर्ड्स MM आलम रोड। तो वहाँ पर आपको बहुत से टॉप ब्रांड्स में दिखाने वाली हूँ, वीडियो को कम्प्लीट वॉच कीजिएगा। और यहाँ पर आपको मारिया पी का आउटलेट भी नजर आ रहा होगा, और भी बहुत से फेमस ब्रांड्स हैं। आपको मैं यहाँ पे रोड टूर दूंगी एक, और एक्सप्लोर भी करेंगे कुछ फेमस ब्रांड्स पे। तो आपको मैं बताती चलूँ, अगर आप ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर करते हैं और वो अगर आपका डैमेज आता है या उसमें कुछ एरर है, तो वो भी मैं भी यहाँ पे एक्सचेंज करने के पर्पस से ही आई थी। तो मेरी भी ऑनलाइन, आपको पता है, ऑर्डर करो तो कुछ आइडिया नहीं होता कि आपको कैसा ऑर्डर जो प्लेस किया है वो मिलेगा। तो सफायर का कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम था क्लोदिंग में। एक्सचेंज इस तरह होता है कि आपको उतनी ही प्राइस में सूट या प्रेटवेयर लेना है, या आप उससे ज़्यादा प्राइस का भी ले सकते हैं, लेकिन आपको उसकी मनी बैक नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ क्लोदिंग ब्रांड्स नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपको और भी बहुत सी कंपनीज के यहाँ आउटलेट्स मिलेंगे, ज्वेलरीज के मिलेंगे, जो मैं अभी आपको दिखाती चली जाऊंगी। और आपको ब्रांड्स की आउटलेट्स और उनके नाम भी ऊपर मेंशन किए हुए हैं। मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सी सेल सीरीज एंड ब्लॉग्स हैं, शॉपिंग के भी रिव्यू वीडियोस भी हैं जो कि ब्रांड्स के हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो वो वीडियोस भी देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है और आप कहाँ से शॉपिंग करते हैं। अब मैं आपको कलेक्शन दिखा देती हूँ कि सफायर पे अबायाज आए हुए हैं, और न्यू अराइवल न्यू कलेक्शन में अबायाज, और विंटर है तो इतने वार्म क्लोथ आए हुए हैं, आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। और काफी ब्रांड्स पे आजकल विंटर की कलेक्शन है, तो मैं आज आपको आगे भी बहुत ही क्यूट बच्चों के लिए विंटर कलेक्शन दिखाऊंगी। तो यहाँ आपको बहुत बड़े बड़े फूड चेन्स भी नजर आएंगे। और नेक्स्ट हम जाएंगे बीच ट्री पे, और बीच ट्री पे भी मैं आपको थोड़ी सी यहाँ की कलेक्शन दिखाऊंगी, जहाँ पे 30-40-50% ऑफ है, और यहां से भी आप ले सकते हैं। ज़्यादातर ऑफ सीज़न कलेक्शन पे सेल होती है, जिससे आजकल समर कलेक्शन पे सेल लगी हुई है, और न्यू अराइवल्स भी बहुत अच्छे आए हुए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ फेमस इम्तियाज़ स्टोर। तो यहाँ से भी बहुत लोग शॉपिंग करते होंगे, कराची वाले भी, लाहौर वाले भी, बताइएगा ज़रूर। इससे आगे चलते हैं, और यहाँ पर हमने करवा लिया था एक्सचेंज, तो अब हमें भूख लग गई थी। तो लंच टाइम पे अगर आप बाहर आए हुए हैं, लंच नहीं किया हुआ, तो बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। तो हमने भी सोचा कि कुछ ब्रेक ली जाए लंच की, और लंच किया जाए। तो मैं आपको लेके चलूँगी नेक्स्ट के हमने क्या लंच किया था। यहाँ पे आपको बहुत से फूड ब्रांड्स, फूड चेन्स भी नज़र आएंगे, और वहाँ से भी आप मील इन्जॉय कर सकते हैं। तो हम लोग चलेंगे यहाँ से टर्न लेते हुए टूवर्ड्स गुरु मांगट रोड। तो वहाँ पे चलते हैं और चेकआउट करते हैं कि अभी क्या अवेलेबल होगा और क्या हमने खाया है, तो रहिएगा साथ साथ। तो यहाँ से हम आ गए हैं गुरु मांगट रोड पे, और यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा फूड हब्स होते थे, लेकिन अब बहुत कम हो गए हुए हैं। कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही थी, बिल्डिंग्स बन रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे फूड के जो शॉप्स थे वो बंद कर दिए। तो हम भी यहाँ पे आगे जाएंगे, और भूख बहुत ज़ोर की लगी हुई थी, और ज़ोरदार भूख में अच्छी सी अगर आपको बिरयानी मिल जाए, तो यहाँ पे हमें बिरयानी मिल गई थी, और इतनी ज़्यादा टेस्टी बिरयानी थी। MM आलम रोड के बाद अब हम जाने लगे हैं गैलरिया की तरफ, यानी अंडर वन रूफ। आपको बहुत टॉप ब्रांड्स मैं दिखाने वाली हूँ और एक्सप्लोर करने वाले हैं हम लोग लेटेस्ट कलेक्शन। तो इसके लिए हम आ गए हैं गैलरिया में, और यहाँ पर बहुत अंडर वन रूफ आपको बहुत से ब्रांड्स मिल जाएंगे, और बहुत ज़्यादा यहाँ सेल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरे साथ भी चलें
में हम देखेंगे कि क्या किड्स की कलेक्शन यहाँ पे आई हुई है विंटर्स की, और मोस्टली यहाँ पे मिनी माइनर्स और भी किड शॉप्स थे लेकिन उन लोगों ने सेल लगाई हुई है समर कलेक्शन पे। तो आपको पता है ठंड तो बहुत ज़्यादा होती है और लाहौर में तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है, तो इस वजह से विंटर कलेक्शन के लिए विंटर क्लोथिंग चाहिए, वार्म क्लोथिंग, तो उसके लिए यहाँ पे हॉपस्कॉच पे लगे हुए थे विंटर क्लोथ्स पे सेल, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पे बहुत से आपको ब्रांड्स नज़र आ रहे होंगे और यहाँ गुलबर्ग में इंजॉय कर सकते हैं अपनी शॉपिंग। तो हॉपस्कॉच चलते हैं और बहुत क्यूट कपड़े थे बच्चों के, कलरफुल से ब्राइट कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, ब्राइट कलर्स बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे वार्म क्लोथ्स भी थे और सेल जब लगती है ना तो सेल आप अगर स्टार्ट में आए तो आपको बहुत ही ज़्यादा वैरायटी मिलती है, कलेक्शन मिलती है, और क्योंकि जैसे जैसे सेल के डेज चलते हैं वैसे वैसे यहाँ पर कलेक्शन कम होती जाती है क्योंकि काफ़ी लोग परचेस कर चुके होते हैं, लेफ्ट ओवर स्टॉक रह जाता है तो उसमें पिक करना चूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब भी कहीं सेल हो और आपके वहाँ पे ब्रांड आपका फेवरेट हो या इरादा हो शॉपिंग का तो स्टार्ट के डेज में जाएंगे, रश होगा लेकिन आपको आपकी पसंद के कपड़े मिल जाएंगे या आपके पसंद के आपको जो भी कलेक्शन है उससे आप पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आउट हो चुका हुआ था, जो ऑनलाइन भी नज़र आ रहा था वो भी काफ़ी कम यहाँ पे अवेलेबल था। फिर आपको मैं साइजेस दिखा दूँ, यहाँ पे डिफरेंट साइजेस डिफरेंट एज ग्रुप के होते हैं, यानी बच्चों से लेके ज़ीरो से लेके ऑनवर्ड्स इनकी जो है वो साइजेस हैं, लार्ज मीडियम बड़ों के भी मिल जाएंगे और काफ़ी वार्म क्लोथ्स हैं। बहुत मज़ा आ रहा था इनको देख के, सर्दियों में ऐसे वार्म क्लोथ्स देखने का बड़ा मज़ा आता है और ऐसे वार्म क्लोथ्स बहुत अच्छे लगते हैं। प्राइसेस में साथ साथ मेंशन कर रही हूँ, लिख रही हूँ, आप देखते जाएं। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वैरायटी आई हुई थी तो ये भी आपको मैं दिखाती हूँ और एक्सप्लोर करते हैं मिलके। आप भी मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी पे डायनो बने हुए थे, किसी पे कार्टून कैरेक्टर्स थे जो कि बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं, और इसके अलावा नाइट ड्रेसेस थे, नाइट सूट्स थे बच्चों के, वार्म क्लोजेस थे, अपर्स थे, जिपर्स थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे थे। और ये हुड भी बहुत अच्छी लग रही थी और प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो ब्रांड्स पे क्वालिटी होती है इसी वजह से उनकी प्राइसेस भी बहुत हाई होती हैं। सेल में शायद आपको अफोर्डेबल लगे इसलिए काफ़ी लोग वेट करते हैं पूरा साल के कब सेल लगेगी। अब तो बहुत ज़्यादा सेल्स लगती हैं थ्रू आउट द ईयर, पहले तो स्पेशल ओकेजन्स में लगती थी। तो ये और भी मैं आपको कलेक्शन दिखा देती हूँ, अक्सर जगहों पे वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। विंटर्स में ना वार्म क्लोथ में अक्सर बच्चे बहुत क्यूट पांडा लुक देते हैं, पेंगुइन से लग रहे होते हैं। और मज़ीद आपको थोड़ी सी वेडिंग कलेक्शन भी दिखा दूँ क्योंकि आजकल बहुत वेडिंग सीजन इन है, शॉपिंग्स चल रही हैं तो आजकल कलर्स बहुत ज़बरदस्त से आए हुए हैं। ब्राइडल कलेक्शन, फैंसी कलेक्शन भी किसी दिन आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ से मैं आपको दिखाते हुए चलती हूँ, जो मज़ीद यहाँ पे आपको ब्रांड्स मिलेंगे और मज़ीद वीडियो जो आगे आएंगी उसमें हो सकता है आपको दोबारा यहाँ पे लाके कुछ और नए एक्सप्लोर करूँ और आपके साथ मिलके शेयर करूँ। आई होप आपको ये क्यूट सी विंटर कलेक्शन बहुत अच्छी लगी होगी और आपका भी इरादा होगा कुछ शॉपिंग करने का तो आपको आइडियाज़ मिल गए होंगे, आप यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं और सेल चेक कर सकते हैं। वीडियो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर न्यू है चैनल पर तो जाते जाते सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे एक और बहुत ही ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ मिलूंगी, तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।